गाइस, आज मैं पहली बार कैमरे सामने आई हूँ। आज करवा चौथ है, आज करवा चौथ पूजा है, इसलिए आज मैं तैयार हुई हूँ। अभी मैं पूजा शुरू करने जा रही हूँ। पूजा खत्म होने पर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ कैसे सब पूजा पाठ करके कैसे कर सकते हैं। मैंने मेरी बेटी है, देख रही है मम्मी कैसे कैसे पूजा करने जा रही है। देखिए आप, मेरा पूजा का सामान है, सब मैंने तैयार कर लिया है। आसन भी रख दिया है, सजाई भी हूँ, पानी भी रख दिया है। अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ पूजा की। हेलो फ्रेंड, देखिए मैंने पूजा कर लिया है, भैया भाभी ने कर लिया, मैंने भी कर लिया है। देखिए हमारे भगवान जी, हम लोगों ने इस तरह सजा के पूजा किया है। एक करवा मेरा है, एक करवा भाभी का है, सब कुछ दो दो है, एक भाभी का मेरा। हम आज ननद भाभी साथ पूजा किए हैं। ये मेरा भैया का बेटा, मेरी बेटी है। अब देखे हाँ किस दे। हेलो फ्रेंड, मैंने करवा चौथ का पूजा कर लिया, मेरी पूजा खत्म हो गई। चांद मैंने देख लिया। देखिए उसको ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस दे दें। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आए और यही कहते चली गई थी। आगे वाली को कहना ऐसे की चौथ आज उसने बताया कि तुम पर उससे कार्तिक की चौथ नारा जब उसने तुम्हारा सुहाग लिया वही तो आपकी आएगी तो पाँव पकड़ कर गिनती करना ये बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद तुम्हें करवा ले, वह खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। ये सुनकर वो चौथ माता को देख कर उसके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापी में हत्याए मैं पाँव पकड़ के क्यों बैठ गई। अब वो नहीं करूँगी। माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और मंदी और टीकों से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं भूख सोया। ओ बोली क्या सोया, मुझे सुबह खोल देना बेटा, बस पूजा करनी है इसलिए जाना है। माता ने मेरा सुहाग लौटाया, तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी ऊपर चढ़कर बैठो ड्रिंक प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलता देखा तो उसके सासु जी को जाके बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियाँ चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागे रखी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है।
प्राचीन काल घटी बजाय क्या फ्रेंड। देखिए हमारी मम्मी है, सारा प्रसाद मम्मी बनाई है, सारा प्रसाद। अरे बनाई गई है, देखिए मम्मी एक बार कैमरा सामने आइए। अब हमारा पूजा कंप्लीट हो गया, बचा हुआ खाना है थोड़ा सा, मम्मी बना रही है घर के लिए पूरी, बाकी सब बना हुआ है, दिख ही रहे हैं आप सब। मम्मी कुछ बोलना है करवा चौथ के लिए? करवा चौथ के लिए हम थोड़ा मदद कर दिए, बेटी बहू कर रही थी, हम सब खाना बनाए दिए। आज सारा खाना मम्मी बनाई, सारा प्रसाद, सारा प्रसाद हम बनाए दिए, घर के काम हम कर दिए। ये लोग हम भी थोड़ा सावधान हो गए इसमें। मम्मी ने खीर पूरी जो भी इसमें लगता है, देखिए आप देख रहे हैं सामान जो भी लगता है सब कुछ, फरा पूरी लड्डू सब मम्मी ने बनाया है। हाँ बेटा, तो फ्रेंड फाइनली पूजा ख़त्म हो गया, मतलब मैंने चांद देख लिया, अपने हस्बैंड को भी देख ली, और मैंने पानी भी पी लिया है। पति मेरे साथ नहीं है, बट मोबाइल से देख के मैंने अपना व्रत खोला है। पूजा कम्प्लीट हो गई, मेरे बच्चे हैं, उसे खाना खिलाऊँगी। अभी कुछ इसको कुछ नहीं खिलाई हूँ, अब जा रही हूँ ड्रेस चेंज करूँगी, कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद से थोड़ा सा मुँह में कुछ भोजन डालूँगी। देखिए मेरा भोजन, मैं यही सब डालूँगी मुँह में, खाऊँगी पूरी खीर है, कुछ फ्रूट्स वगैरह है। ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा खीर और पूरी खाऊँगी। अब मेरा व्रत कम्प्लीट हो जाएगा, वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। देखिए देखिए फ्रेंड्स, पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, अब कुछ नहीं बाकी नहीं है, जो चढ़ाना था पूजा करना सब पूजा हो गया है। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा करते हैं, सबके यहाँ अलग अलग रस्म है, हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा करते हैं। देखिए पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, हम औरतों को साल भर से इस दिन का इंतजार रहता है हमारे पूजा का, और आखिर में दिन आ ही जाता है, और भगवान हमें ठीक से ही पूजा हमारा पार कर देते हैं। देखिए मेरी पूजा पर कम्प्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, सब ने कहा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं पूजा उपवास कर पाऊँ ना कर पाऊँ, पर मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, अपने पति के लंबी उम्र के लिए कौन नहीं करता है।
अम्मा भगवान में सकता हो सकती हो अम्मा करवा जरूर बेड़ा पार लगा देती है। शिव पार्वती गौनी गणेश अम्मा करवा की कृपा से मेरे आज का फास्ट पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी है। मुझे डर था मेरी तबीयत खराब है, कहीं मेरी पूजा अधूरी ना रह जाए, पर पूरी हो गई। बस और मुझे क्या चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।